नेक्स्ट वीडियो ऑन चेल्सी बूट्स, चेल्सी बूट्स प्लीज। नेक्स्ट वीडियो ऑन चेल्सी बूट्स, चेल्सी ऑप्शन ए। नेक्स्ट वीडियो ऑन चेल्सी बूट्स। What's up guys, Twenzy here। तो मेरे भाइयों, मोस्ट डिमांडिंग वीडियो बेस्ट चेल्सी बूट्स गाइज आ गए हैं। गाइज Amazon के ऊपर इस टाइम जो है वो फैशन एंड ब्यूटी सेल लगी हुई है और इन सारे शूज के ऊपर गाइज मुझे 50-60% इवन कुछ के ऊपर तो 70% और उससे भी ज्यादा का ऑफ मिला है। तो भाइयों, चेल्सी बूट्स का हॉल वीडियो होने वाला है एंड गेस व्हाट, 650 से भी कम में आज आपको चेल्सी बूट्स भाई दिलाएगा। तो भाइयों चलिए शुरू करते हैं, मैं कसम से बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए। तो भाई कहाँ से स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। ओके, तो गाइस बॉक्स तो काफी सॉलिड है, इसका ब्रांड का नाम है गाइस फ्रीकस्टर्स और गाइस जो इसके ऊपर एमआरपी मेंशन है वो है 3499, लेकिन ऑब्वियसली आपको इतना पे नहीं करना है, ये शू आपको जो है वो 1400-1600 रुपए के बीच में मिल जाएगा। ओके गाइस, लेट्स सी द शू। तो यहाँ पे बटर पेपर वगैरह भी यहाँ पे है और बटर पेपर के ऊपर जो है वो ब्रांड की ब्रांडिंग वगैरह हो रखी है। ओके वाओ गाइस, लुक एट दिस ब्यूटी, गाइस लुक एट दिस ब्यूटी। मैंने गाइस आपको अपने रिसेंटली कुछ शॉर्ट्स वीडियो में बताया भी था कि इस साल जो है वो स्वेट लेदर के चेल्सी बूट्स बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहने वाले हैं। तो मेरे भाई शुरुआत हो गई है। वैसे गाइस ब्लैक कलर का अपना ही एक रोब और रुतबा होता है, क्या बोलते हो आप लोग। एनीवेज गाइस, अगर मैं इसकी शेप की बात करूं ना तो काफी अल्टीमेट सी इसकी शेप है। वो जो एक लग्जरी क्लास के बूट्स नहीं होते वैसे ही इसकी शेप है, मतलब कट है जी यहाँ पे आपको शेप देखने के लिए मिलने वाली है। फिर चाहे गाइस वो इसके राउंडेड टो हो, इसके जो है वो टेक्सचर्ड सोल हो या फिर इसका ये प्रीमियम क्वालिटी का स्वेट लेदर हो, आप डेफिनेटली कॉन्फिडेंस फील करने वाले हो गाइस इसको डाल के। डाउन सोल आप गाइस यहाँ पे देख सकते हो, आपको टेक्सचर्ड मिलता है जो कि ऑब्वियसली थोड़ी सी ग्रिपिंग आपको प्रोवाइड कर देगा। बट गाइस लेट्स टॉक अबाउट द इनसोल। इट्स डिसेंटली सॉफ्ट गाइज, आई डोंट थिंक आई कैन पुल दैट आउट, लेकिन आपको अच्छा खासा सॉफ्ट यहाँ पे इंसोल देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा गाइस शू के ऊपर कहीं पे भी ब्रांडिंग नहीं हो रखी है, कहीं पे भी ब्रांड का नाम या फिर लोगो यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इवन डाउन सोल के ऊपर भी आपको कोई लोगो वोगो देखने के लिए नहीं मिलता है। ऑलराइट लेट्स वेयर इट। ओके गाइज आई हैव टू से, जितना ये हील की साइड से जो है वो कंफर्टेबल है या फिर मैं कहूँ सॉफ्ट है ना, तो आगे जाते जाते ये सॉफ्टनेस जो है वो थोड़ी 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 कम होती जाती है। बट ऐसा नहीं है कि आगे से डिस्कम्फर्ट फील होता है आपको, शू जो है वो काफी कंफर्टेबल। गाइज इसका शेप देखो यार, आई हैव टू से कि चेल्सी बूट की बेस्ट शेप में से गाइस ये एक है। मेरे भाई फर्स्ट शू ने तो दिल जीत लिया, इसको मैं दूंगा 9 out of 10, लेकिन जो इसका ये डिजाइन है ना, कटेज डिजाइन जो प्रीमियम डिजाइन कंपनी ने दिया है जो कि काफी लग्जरी ब्रांड में आता है, इसकी वजह से मैं इसको दूंगा 9.5 out of 10 जस्ट बिकॉज ऑफ डिजाइन। तो चलिए गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट शू की तरफ। ऑलराइट गाइज, तो काफी इंटरेस्टिंग सा और कलरफुल सा बॉक्स है, वेरी वेरी एक्साइटेड टू अनबॉक्स दिस। तो भाई ब्रांड का नाम है मेलवी एंड शेल्बी, काफी इंटरनेशनल अपील जैसा नाम लग रहा है भाई, आई होप के शू भी अंदर वैसा ही हो। एमआरपी की बात करूं तो गाइज वो है 5000 रुपीज, लेकिन ये मुझे पड़ा है अराउंड 1800 रुपीज का आफ्टर 65% ऑफ। तो चलिए भाई देखते हैं, भाई अभी तक तो सब सही लग रहा है, बाय द वे गुड पैकिंग। ओके वाओ, तो गाइज ये है टैन एंड ब्राउन कलर का मिक्स स्वेड चेल्सी बूट। जैसा कि मैंने कहा था मेरे भाई, सिर्फ नाम में ही इंटरनेशनल अपील नहीं है भाई, शू में भी पूरी पूरी इंटरनेशनल अपील है। लुक एट द डिजाइन गाइज, अमेजिंग अमेजिंग, जो टो की शेप है ना यहाँ पे कितना सही लग रहा है यार। एंड गाइज जो शू की ओवरऑल शेप है ना वो इसको डाल रही है वो 8000-10000 वाले जो लग्जरी कैटेगरी के अंदर चेल्सी बूट नहीं होते बड़े बड़े ब्रांड्स के, उसके साथ शेप इसकी जा रही है मेरे भाई, बहुत अच्छी शेप है। एक बार गाइज इसके थ्रेडवर्क के ऊपर जो है वो नजर डालो, आपको पता चलेगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, काफी फिनिशिंग वाला और प्रीमियम काम हो रखा है इसके ऊपर। एंड गाइज इसका जो ये इलास्टिक है, इसका डिजाइन भी आप देख सकते हो, यूजुअली काफी नॉर्मल देखने के लिए मिलता है चेल्सी बूट्स में, लेकिन इसका डिजाइन काफी सही है। और गाइज अगर मैं डाउन सोल के डिजाइन की बात करूं तो वो भी एज यू कैन सी काफी मस्त डिजाइन है, एकदम ओके रिपोर्ट है। गाइज स्वेड का क्वालिटी इतना अल्टीमेट है ना, मतलब मैं आपको जितना हो सके क्लोजअप में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी आपको हाथ लगाकर ही पता लगेगा। ऑलराइट लेट्स टॉक अबाउट द इनसोल। सॉफ्ट है, मतलब इस शू की तो वैसे ही क्वालिटी देख के काफी कुछ पता लग रहा है, तो चलो भाई इसको डाल के देख लेते हैं। तो भाई ये शू मैं बोलना चाहूंगा लिटरली काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, सच में मजा ही आ जाएगा आपको डाल के। और ये जो इसकी प्रीमियम शेप है ना, इसको एक अलग ही फील दे रही है, काफी एक्सपेंसिव लुक दे रही है इसको। ये जो प्रीमियम फील की गाइज मैं बार बार बात कर रहा हूँ ना, ये आपको सच में डालकर ही फील आएगी। तो गाइज काफी प्रीमियम क्वालिटी का शू है, इसको मैं दूंगा 9 out of 10, क्योंकि अगर ये 1500-1600 के आसपास होता ना तो इसको और अच्छे पॉइंट्स मिल सकते थे, लेकिन कंसिडरिंग अ प्राइस कंसिडरिंग अ क्वालिटी जस्टिफाइड है। अब चलते हैं नेक्स्ट शू के ऊपर। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट शू ओपन करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा थैंक्स, क्योंकि लास्ट वीडियो पे गाइस जिस पे मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछा था कि आपको चेल्सी बूट्स के ऊपर अनबॉक्सिंग वीडियो चाहिए, तो आप में से काफी सारे लोगों ने कमेंट किए यस, और आपने काफी अच्छा रिस्पांस दिया उस वीडियो के ऊपर। एंड आई होप कि आप इस वीडियो के क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर भी वैसा ही रिस्पांस करोगे। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि क्या आपको इसी तरीके की अनबॉक्सिंग या फिर हॉल वीडियो
वार्सिटी जैकेट के ऊपर चाहिए क्या? एंड गाइस आपके ऑप्शन है येस और नो, भर देना नीचे कॉमेंट सेक्शन आपके आंसर से। एंड गाइस इस वीडियो पे लाइक टारगेट है 3000 का, तो मेरे भाई ये भी पूरा करा देना। एंड गाइस सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऊपर क्लिक भी जरूर कर देना, अदरवाइज जो शॉर्ट्स वीडियो में मैं डील्स डालता हूँ ना 70%, 80%, 90% ऑफ वाली, वो मिस हो जाती है आपसे और भाई को फिर कॉमेंट करते हो कि भाई मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, तो ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक भी जरूर कर देना। ऑलराइट लेट्स ओपन नेक्स्ट वन। तो भाई पैकिंग तो काफी अच्छी है इसकी, बाकी मैं बताता हूँ आपको ये किसकी तरफ से है और ये मुझे कितने का पड़ा है, आप काफी शॉक रह जाओगे। तो गाइस ये ब्रांड है सिंबल ब्रांड, जो कि अमेज़न का अपना ब्रांड है, आपको पता होगा। काफी अच्छा बॉक्स आया है बाय द वे, काफी अच्छा बॉक्स आया है। तो गाइस शू के बारे में बाद में बात करते हैं, एमआरपी इसकी है 2000 से भी ऊपर, लेकिन ये शू गाइस मुझे पड़ा है सिर्फ और सिर्फ 650 रुपए का, या फिर मैं गाइस कहूं उससे भी कम, 70% से भी ज्यादा का ऑफ मिला गाइस इस शू के ऊपर। तो मेरे भाई इस वीडियो का पहला लेदर शू आ गया है, मतलब जो स्वेड लेदर नहीं है, नॉर्मल लेदर वाला शू है, वो आ गया है। देखने में तो काफी सही लग रहा है कंसीडरिंग अ प्राइस। गाइस लेदर क्वालिटी इज डिसेंट, मतलब 600-650 रुपए में आप कैसी क्वालिटी ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये काफी अच्छी लग रही है, सही लग रही है देखने में। मतलब गाइस ये आपको ऐसी क्वालिटी दे रहा है कि 1 से 1.5 साल तो आपका इजिली निकाल ही देगा। अभी काफी अच्छे डिस्काउंट पर चल रहा है, लेकिन अदरवाइज ये 800 से 1000 रुपए के बीच में मिल रहा होता है। इसकी सोल पे गाइस थ्रेडवर्क तो नहीं है, लेकिन डिजाइन कंपनी ने यहाँ पर ऐसा दे रखा है कि आपको देखकर वो छलावा सा होगा कि थ्रेडवर्क हो रखा है, लेकिन थ्रेडवर्क वो नहीं है। बाकी शू के ऊपर गाइस आपको ऑब्वियसली थ्रेडवर्क देखने के लिए मिलेगा। जो इसका डिजाइन है ना गाइस, वो एक नॉर्मल बूट्स जो आते हैं ना वैसा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। मतलब जो पहले दो बूट्स मैंने दिखाए उनका डिजाइन थोड़ा कटेज डिजाइन वाला था, थोड़ा सा प्रीमियम डिजाइन वाला था, इसका जो है वो गाइस आपको नॉर्मल डिजाइन मिलेगा। देखा होगा गाइस अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है कि मैं इसी तरीके के सेम डिजाइन के चेल्सी बूट्स ही स्टाइल करता हूं। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो नीचे लिंक मिल जाएगा। एनीवेज लेदर क्वालिटी इज डिसेंट, और ये टो के ऊपर जो डिजाइन मिल रहा है ना आपको, ये जो ग्रेडियंट डिजाइन है, मतलब आगे से ये शू ब्लैक है और फिर पीछे ग्रे होता हुआ जा रहा है, काफी सही लग रहा है देखने में। डाउन सोल देखो गाइस आप एक बार इसकी, ऑब्वियसली काफी अच्छा डिजाइन मिल रहा है आपको और ग्रिपी भी है। लेट्स चेक द इनसोल। ओके ओह माय गॉड। तो गाइस इनसोल तो काफी ज्यादा सॉफ्ट है यार इसकी, मतलब इससे पहले जो दो शू हमने टेस्ट किए उससे भी सॉफ्ट लग रही है। मेरे ख्याल से ये शू कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल होने वाला है, तो चलिए डाल के देख लेते हैं। ऑलराइट गाइस एज आई सेड कि इसकी इंसोल कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल है, वो बात जो है वो इसको डालकर और डबल हो जाती है, मतलब यू विल लव द कंफर्ट। उसके अलावा गाइस डाला हुआ कैसा लग रहा है वो आपके सामने है। कहीं से भी गाइस इसकी लुक जो है वो 600-700 वाला जो एक चीप क्वालिटी के चेल्सी बूट्स मिलते हैं ना, वैसे तो बिल्कुल भी लुक नहीं आ रही इसकी, सही लग रहा है गाइस डाला हुआ, और डेनिम के साथ तो मेरे भाई बहुत ही सही लग रहा है। तो कंसिडरिंग अ डिजाइन एंड क्वालिटी गाइस मैं इसको दूंगा 8 out of 10, बट कंसिडरिंग अ प्राइस, जिस प्राइस पे अभी ये मिल रहा है, मैं थोड़ी सी रेटिंग इसकी बढ़ाना चाहूंगा, 8.3 out of 10 इसके लिए इस टाइम पर सही रहेगी। ऑलराइट वेरी नाइस प्रोडक्ट, अब चलते हैं नेक्स्ट शू के ऊपर। ऑलराइट तो नेक्स्ट चेल्सी बूट गाइस ऐसे ब्रांड की तरफ से है जिसका मेरे पास शर्ट है, जिसकी मेरे पास पैंट है, जिसके मेरे पास शू थे अब नहीं है, रिटायर हो गए हैं। आई मीन इंडिया में जो लड़के मेन फैशन को पसंद करते हैं ना, उसके पास इस ब्रांड का कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। आपके पास क्या है कमेंट करके बताना मुझे। ब्रांड का नाम है रेड टेप। रेड टेप गाइस एक ऐसा ब्रांड है जो पिछले 1-2 सालों में ऑनलाइन काफी पॉपुलर हुआ है, फिर चाहे वो इसके स्नीकर्स हो, बूट हो, इसके कपड़े हो, एक्सेट्रा। तो क्या है आपके पास रेड टेप का कमेंट करके जरूर बताना मुझे। तो चलिए बूट को देखते हैं। बॉक्स मेरे भाई अच्छा तो काफी है, बहुत ही सही लग रहा है बॉक्स तो, लेकिन बॉक्स की जो हालत है वो थोड़ी बिगड़ गई है शिपिंग में। तो गाइज इस शू की जो एमआरपी है वो है 7299, बट अमेजोन जिंदाबाद वही 70-75% ऑफ गाइज इस शू के ऊपर मुझे मिला है, और 2000 के आसपास ही आपको ये शू भी मिल जाएगा। बॉक्स की हालत वाकई में काफी ज्यादा खराब हो गई है। देखिए ऐसा लग रहा है कि पैकिंग काफी बढ़िया होगी इसकी, लेकिन शिपिंग में काफी ज्यादा खराब हो गई है, तो चलिए कोई बात नहीं। ओके ब्यूटिफुल, दिस इज हाउ वन प्रीमियम बूट लुक्स लाइक गाइज। इसका डिजाइन, इसकी स्टिचिंग, इसकी शेप, सब कुछ इतना अल्टीमेट है कि पूछो मत गाइज। ये डार्क टैन कलर का लेदर मटेरियल चेल्सी बूट है, बट आई हैव टू से इसका जो टैन कलर है ना, वो जो वुडन टैन कलर होता है ना, जैसे लकड़ का एक टैन कलर होता है, वो वाला टैन कलर है, चटक टैन कलर नहीं है, मतलब हल्की हल्की ब्राउन की भी शेड मार रहा है ये। एंड गाइज एक चीज मैं दोबारा एम्फसाइज करना चाहूंगा कि लेदर की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अल्टीमेट है, मतलब क्या कमाल ही कर दिया है। मतलब गाइस अब 2000 छोड़ो, 2500 रुपए का भी ये शू जो है वो वर्थ है। एक सटल सी आप यहाँ पे देख सकते हो रेड टेप की ब्रांडिंग आपको देखने के लिए मिलती है, कट एज डिजाइन मिलता है, एंड गाइस सोल की क्वालिटी भी बहुत अल्टीमेट है, लव्ड इट। एंड गाइस आप इसकी एक बार डाउन सोल देखो, आ गया ना स्वाद। मतलब आपके ट्रेंजी भाई ने अगर किसी प्रोडक्ट को स्वाद वाला टैग दे दिया ना, तो आप समझ जाओ प्रोडक्ट एंड है। तो चलिए गाइस इनसोल देखते हैं। डिसेंट डिसेंट, मतलब वही ना ज्यादा सॉफ्ट और ना ही ज्यादा हार्ड, काफी डिसेंट है और अच्छी क्वालिटी वाला इसका इंसोल है,
मतलब मुझे पता है ये शू ऑलरेडी डालने से पहले कि कंफर्टेबल होने वाला है, लेकिन चलिए डाल के देखते हैं। भाई आप एक बार लुक देखो इसकी। बाय द वे इट्स डिसेंटली कंफर्टेबल, ज्यादा कुशनिंग भी नहीं है बट ठीक ठाक सा कंफर्टेबल है। बट आई लव द डिजाइन भाई, आप इसको हर जगह ऑफिस वेयर में, डेट के ऊपर, सूट्स के साथ, चीनोस के साथ, मतलब आप इसको हर जगह डाल सकते हो। मतलब मैं ये अनाउंस कर सकता हूं कि अगर किसी को लेदर मटेरियल में टैन कलर के अंदर एक अच्छा सा चेल्सी बूट चाहिए, उठा लो। तो गाइस इस शू को मैं दूंगा 9.7 out of 10, लेकिन रेड टेप से गुजारिश है कि अपनी पैकिंग को थोड़ा सा सुधारिए। जो बॉक्स आपने इतना अच्छा दिया है, अगर वो अच्छे हालात में हमारे पास आ जाता तो और अच्छा लगता। ऑलराइट, वेरी नाइस शू। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट शू के ऊपर। ऑलराइट गाइस, तो ये शू भी है फ्रीक्स्टर्स ब्रांड की तरफ से, जिसका हमने फर्स्ट शू देखा था। आप देख सकते हो बॉक्स भी सेम है। इसकी जो एमआरपी है गाइस वो है 3599, लेकिन ये भी आपको जो है वो 1500, 1600, 1800 इसी के आसपास मिल जाएगा। किंग वगैरह गाइस सेम है। तो जल्दी से बॉक्स को साइड करते हैं और शू की बात करते हैं। तो गाइस बात करूं अगर मैं इसके लुक एंड डिजाइन की, तो ये जुड़वा है ऑलमोस्ट, जो कि हमने फर्स्ट शू देखा था उसके जैसा ही है। इसका डिजाइन भी और इसका स्वेड का क्वालिटी भी। लेकिन गाइज मैंने इसको ऑर्डर किया था इसके कलर की वजह से। आई मीन लुक एट दिस, ये है बेज कलर। अगर आपको थोड़ा सा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है, मतलब लीक से हटकर, वही ब्लैक ग्रे से हटकर, बेसिक से हटकर कुछ अलग करना है, तो बेज कलर इज द कलर दिस विंटर। ये गाइज मोनोक्रोमेटिक कलर्स में आता है, और इसके साथ अगर आप ढंग से आउटफिट बनाकर डालो तो इसके साथ जो लगने वाले हो ना आप, अल्टीमेट। चाहे गाइज आप इसको ओवरकोट के साथ डालो, जो कि शॉर्ट वाले आते हैं, और जो लॉन्ग वाले आते हैं चाहे आप उनके साथ डालो। उसके अलावा गाइज ओवर शर्ट के साथ, हुडीज के साथ, जैकेट्स के साथ, आप किसी के साथ भी गाइज इसको स्टाइल करोगे ना, बेज कलर गाइज बहुत अल्टीमेट लगता है। गाइज काफी मिनिमलिस्टिक सी वाइब देता है ये कलर। आपने देखा होगा लास्ट एक दो साल से कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स लाइक जारा एंड H&M के टाइप के ब्रांड्स है ना, जो प्रीमियम ब्रांड्स है थोड़े से, ये इस कलर के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं। तो अगर गाइज आपके पास बेसिक ऑलरेडी है, मतलब ब्लैक कलर, टैन कलर, ब्राउन कलर, इस टाइप के चेल्सी बूट्स आपके पास ऑलरेडी है, तो भाई बेज कलर लो, ये बहुत अल्टीमेट लगने वाला है। अगर गाइज मैं इशू के कंफर्ट वगैरह की बात करूं तो ऑलमोस्ट सेम है जैसा हमने पहला शू देखा, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही इंसोल है इसकी। बट इफ यू टॉक अबाउट द लुक्स, तो वो मेरे भाई बिल्कुल अलग है और एकदम अल्टीमेट है। एंड गाइज स्वेड लेदर की क्वालिटी नो इशू, क्योंकि सेम ही है जैसा हमने ब्लैक वाले में देखा था, वैसी सेम क्वालिटी है और कोई इशू नहीं है, अल्टीमेट है। थोड़ा सा टेस्ट चेंज करना चाहते हो इस विंटर में, तो मेरे भाई ये कलर का ये शू जरूर ट्राई करना। गाइस मेरी काफी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगी इस पर्टिकुलर कलर के लिए, इफ यू ऑलरेडी हैव बेसिक्स। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे कलर के, ऐसे डिजाइन के चेल्सी बूट्स आपको ऐसे ब्रांड्स के काफी महंगे महंगे मिलते हैं, 7000, 8000, 10000, 12000 ऐसे रेट पे मिलते हैं, और ये शू आपको भी 1500, 1600 में मिल रहा है, उठा लो। गाइस आपको इन पांचों में से कौन सा चेल्सी बूट पसंद आया और आप कौन सा इस विंटर में ऑर्डर करने जा रहे हो, नंबर 1, 2, 3, 4 या 5, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। गाइस इन सबके बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप ले सकते हो। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर करना, भाई को असली मोटिवेशन वहीं से ही आती है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना, साल खत्म होने से पहले भाई के 100K पूरे होने चाहिए। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस। यू कैन डू एनीथिंग।